अभी बहुत लोगों का डाउट होता है कि इतना बड़ा ड्रम और इसमें मिट्टी, और उस मिट्टी के वजह से जो स्लैब है उस पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता क्या? एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने ये सवाल पूछा था। तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी मिट्टी नहीं डाली है, यहाँ पे मैंने लेयर बाय लेयर पहले बहुत सारी पत्तियाँ और उसके ऊपर मिट्टी, उस मतलब पानी डालता रहा, उसके बाद और पत्तियाँ और मिट्टी और पत्तियाँ और मिट्टी, ऐसे मैंने लेयर्स बनाए हैं। और उसके वजह से ये काफ़ी हल्का है, अगर मैं एक पर्सन अगर रहा तो भी मैं इसको एक पर्सन इजीली उठा सकता है। और स्लैब के मैंने ऐसे पोजीशन पे इन ड्रम्स को रखा है जो मैक्सिमम लोड है वो कॉलम्स के थ्रू ग्राउंड ग्राउंड के ग्राउंड पे चला जाए, ना कि स्लैब के सेंटर में। मैंने आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी जो ड्रम है वो इस ऐसे जगह नहीं रखा है जहाँ जो स्लैब है वो ज़्यादा लोड ले। मैंने कॉलम कॉलम साइड्स पे ही रखे हैं, और जो कॉर्नर वाले हैं जहाँ पे हमारी जो दीवार है वो दीवार के अपर साइड जो लेयर आती हैं, मैंने वहाँ पे इनको इंस्टॉल किया है। और ये यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लैब के नीचे पानी इस ड्रम का पानी में डालूँगा तो यहाँ पे जम जाएगा, और यहाँ से वो गीला रहेगा, गीला रहेगा तो स्लैब ख़राब हो जाएगा। मैंने इस तरह से इसको ऊपर उठाया है, हालांकि मेरे पास अभी इसको उठाने के लिए अभी मैं वो सामग्री नहीं है, सामग्री इन द सेंस ऑफ मेरे पास इस तरह का कोई अभी ये नहीं है, टूल नहीं है कि इनको रखूं। हालांकि मैंने जो कैंडल्स होते हैं आरओ के, उनका भी यूज़ किया है, पर अभी मेरे पास आरओ के कैंडल्स उतने ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। तो ये काफ़ी हल्के होते हैं उठाने में, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ पत्तियाँ और मिट्टी डाली है, वो भी उन एक रेशो में 60% पत्तियाँ और 40% मिट्टी मिक्स करके लेयर बाय लेयर्स में। उस वजह से जो पत्तियाँ हैं वो डिकम्पोज होती रहती हैं, और लॉन्ग टर्म में जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। पत्तियों का खाद काफ़ी पावरफुल होता है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, इसको 6 महीनों से लेके 18 महीनों तक समय लगता है, या उससे भी ज़्यादा अगर आप पानी ना डालें तो। आपको धीरे धीरे मॉइस्चर मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, और जो मेलीपेड्स है वो हो अगर उस पत्तियों में तो जल्दी खाद बनता है, अगर कोई भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पनप रहे हो तो, या कोई कीड़े जो पत्तियाँ खाने वाले। यहाँ देखिए, यह काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर उठा के रखा है ताकि स्लैब ख़राब ना हो जाए। इनको भी वैसे ही करूँगा, बट अभी उतना ये नहीं है मेरे पास कि किसी चीज़ पे इनको रख के ऊपर उठाओ। धीरे धीरे मैं हर एक ड्रम को स्लैब से थोड़ा सा डिस्टेंस पे ऊपर रखूँगा, जैसे मैंने ये भी रखे हैं। और जो किचन वेस्ट है मैं यहाँ डालता रहता हूँ,